She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो जब अपलोड किया था, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं जब अपने कमेंट्स रीड कर रहा था उसमें बहुत सारे कमेंट्स दिखे कि हिंदी में वीडियो ट्राई कर। और मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझे कॉल करके बताया, जब मैंने उससे रिव्यू पूछा कि मेरा व्लॉग तुझे कैसा लगा, तो उसने कहा व्लॉग तो काफ़ी अच्छा था बट अगर तू हिंदी में करता तो शायद और अच्छा होता। तो मैंने उससे बहुत बात की और उसके बाद में मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गया। फ़ोन रखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं व्लॉग हिंदी में करूँ या इंग्लिश में करूँ। यही सोचते सोचते अचानक से मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया सा आइडिया आया और यह आइडिया यह था कि आज का व्लॉग मैं हिंदी में ट्राई करके देखता हूँ और आपका रिस्पॉन्स देखता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट वंश बोरा। और आज का वीडियो होने वाला है हिंदी में। हाँ, हिंदी में आज का वीडियो होने वाला है। सो एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं एक जनरल रिस्पॉन्स देख रहा था कि मेरी जो जनता है या जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मेरा व्लॉग हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में देखना चाहते हैं। बट अगर हिंदी ये वाले वीडियो पे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो फिर आगे से मेरे सारे व्लॉग हिंदी में आने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम की देरी करते हुए चले चेंज करते हैं, अभी बाहर जाना है कल्याण स्टेशन पे। ओके तो मुझे आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि मैं कल्याण स्टेशन जा क्यों रहा हूँ। मैं कल्याण स्टेशन इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक पार्सल आउट ऑफ स्टेट डिलीवर करना है और मुझे कोई आइडिया नहीं है ये ट्रेन के थ्रू पार्सल कैसे डिलीवर होता है, ना ही मेरे पापा को आइडिया है। मैं पापा के साथ जा रहा हूँ, तो चलो चल के देखते हैं कैसे होता है ये सब प्रोसेस। जब हाथ मैंने ऊपर किया था मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर दीवार है और मेरा हाथ जोर से दीवार पे लगा। इट्स गोना बी एन एडवेंचर, बाय। तो कुछ ऐसी तरह मैं अपने घर से निकल पड़ा कल्याण के लिए अपने पापा के साथ। तो ये है कुछ रास्ते के शॉट्स। और अब मैं उल्लासनगर से कल्याण में एंटर कर चुका हूँ, जैसे कि आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं। और हाँ, इसी जगह पे कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, पर जैसे ही मैंने मोबाइल निकाला ट्रैफिक एकदम से खुल गई पता नहीं कैसे। और मैं ट्रैफिक तो नहीं दिखा पाया पर लोग बहुत सारे थे, आप देख सकते हैं। और बट मुझे इस जगह पे बहुत अच्छा सिनेमैटिक व्यू मिला। तो अभी सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think that it's working. You gave me a love, now I really want more. Girl, you so different apart from the rest. Cool, I dropped out, I don't really take tests. You gave me a love, I'm addicted like drugs. Girl, I think you the plug, you the one with the best. You did me wrong, you did me wrong. Guys, finally railway ki office mil gayi mujhe. Aur hum log abhi parking mein khade hain. Parcel service jo railway ki hai, wo mil gayi Kalyan ki. Ye piche side hai, aage side hai. और यहाँ पे देखो पार्किंग है, बाइक्स देखिए यहाँ पे कितनी सारी है, चेकआउट कीजिए ज़रा। सो अभी चलते हैं डायरेक्ट पार्सल ऑफिस में और पार्सल देते हैं। ओके चलिए। पर ये सब इतना इजी होने वाला था ये किसने सोचा था, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट, सो अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो जैसे ही मैं कल्याण स्टेशन पर गया और पार्सल ऑफिस में पहुँचा, मैंने अपना पार्सल उस जगह पे रखा और वो एग्जीक्यूटिव से बात किया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको पार्सल डिलीवर करना है तो आपको खुद को उस जगह पे जाना पड़ेगा ट्रेन से और तभी आप पार्सल डिलीवर कर सकते हैं। बट मुझे तो उस जगह पे जाना ही नहीं था क्योंकि अगर मैं जाता तो मैं खुद ही डिलीवर कर देता, पर हमें तो सिर्फ पार्सल ही भेजना था इस टाइम। पर उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सर्विस अब बंद कर दी गई है इंडियन रेलवे की तरफ से, अब अगर आपको कोई पार्सल पहुँचाना है तो आपको भी जाना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, हमने कहा चलिए इंडियन पोस्ट में ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम उधर से गए इंडियन पोस्ट में। तो काम तो हमारा नहीं हो पाया जो हम करने निकले थे बेसिकली, बट रास्ते से जब हम वापस आ रहे थे तब हमें एक अच्छी सी चाय की टपरी दिखी रास्ते पर। तो बारिश का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हमने कहा क्यों ना चाय का भी मजा उठाया जाए। तो आगे का वीडियो देखिए।
जेसीबी की खुदाई देखते देखते हम पहुंचे इंडियन पोस्ट में। गैस कीजिए इंडियन पोस्ट में जाने के बाद क्या हुआ होगा। कीजिए गैस कीजिए। इंडियन पोस्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा लंच टाइम है और अभी हम रिसीव नहीं कर सकते, आज का टाइम ख़त्म हो चुका है और आप अब कल आइए डायरेक्ट। हाँ, अब हमें सीधा कल ही जाना पड़ेगा और आज का दिन जैसा टोटली वेस्ट गया हमारा। पूरे 3 घंटे भटकने के बाद मैं अपना पार्सल अपने घर पर लेकर फाइनली आ ही गया, बट डिलीवर नहीं कर पाया। अभी शाम हो चुकी है और अभी तो हम नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स उन्होंने कल बुलाया है, तो अब सीधा हम जाएंगे कल और कल का ही मैं ब्लॉग बनाऊंगा, देखते हैं उधर होता क्या है, मजा आएगा बहुत ज्यादा। और आप भी कनेक्टेड रहना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये हिंदी वीडियो कैसा लगा मेरा, और मैं आपके रिव्यू जरूर पढ़ूंगा और उसे जरूर मायने रखूंगा और नेक्स्ट वीडियो मेरा आपके रिव्यूज के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप अगर वीडियो मेरा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube है वो मेरा वीडियो दूसरे पेजेस पे भी रिकमेंड करेगा, दूसरों के मोबाइल पे, जिससे मेरी ग्रोथ होगी और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, वंश बोरा साइनिंग ऑफ। रावत लेके नहीं सर के बाजार पे, समझे ने फीलिंग दुबई की, कभी नहीं समझेंगे फीलिंग, अब फक योर स्नेम, मेरे बिना समझ रही लाएगी डांस, लो कॉर्ड और कर देना बाइडिंग।